वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने बीजेपी नेता अजय चंद्राकर पर जमकर निशाना साधा। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी पतंज कसा, साथ ही उन्होंने बीजेपी की दूरबीन यात्रा को लेकर भी निशाना साधा है। देखिए, टिकट खरीदने की जुगत में है भारतीय जनता पार्टी। तो नेतृत्व को पता है कि अजय चंद्राकर पिछली बार हारते हारते चुनाव जीते थे। यदि कांग्रेस का बागी नहीं खड़ा हुआ होता तो अजय चंद्राकर की जमानत जब्त हो जाती। इस बार भी वो स्वयं पैसा देकर फिर से भाजपा की टिकट खरीदने की जुगत में है। टिकट बेचने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी तो अपने नीचे ब्लॉक अध्यक्षों की अनुशंसा से प्रत्याशियों का नाम मंगाइए, उसके आधार पर हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन होगा। दूरबीन लेके निकलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आंख खोल कर देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्हें दिखेगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार मिल रहा है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। हमारे राज्य में आम आदमी का विकास हुआ है, आम आदमी समृद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इसको देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, दूरबीन की आवश्यकता नहीं है।